फेजेस क्या कहते हैं? लो फेजेस कहते हैं कि अगर मान लो प्लैनेट यहाँ पर है तो इसके जो जॉइन है ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है। हम कोई टाइम इंटरवल ले लेते हैं डेल्टा टी, क्या ले लेते हैं? डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, इक्वल टाइम इंटरवल्स ले लेते हैं। तो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर मानो डेल्टा टी टाइम में प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे, इस रेडियस ने कितना एरिया कवर किया ये ट्रायंगल से पता चलेगा। दिस इज द एरिया कवर्ड बाय दिस रेडियस वेक्टर, ठीक है। दिस इज आर रेडियस वेक्टर, वेलोसिटी की डायरेक्शन की जरिए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वी इनटू डेल्टा टी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये ट्रायंगल बन गया जो दो वेक्टर्स से बन गया, वेक्टर आर एंड वी डेल्टा, ठीक है। सो एरिया स्वेप्ट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी व्हेन प्लैनेट इज हेयर और प्लैनेट इज हेयर और प्लैनेट इज हेयर एनी वेयर इन दिस ऑर्बिट, ठीक है। दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। द एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय द रेडियस वेक्टर इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस रूल इज कॉल्ड, और दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडियस। इसी समय, ठीक है। अब ये कैसे है? सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस पर, प्रूव दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, मीन्स इट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। हाउ कैन यू प्रूव दिस? वी यूज वेक्टर लॉज टू प्रूव दिस, वी यूज वेक्टर लॉज टू प्रूव दिस, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस वी डेल्टा टू, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, एनी टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, गिव्स यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिव्स यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। We are talking of aerial velocity. We are talking of aerial velocity means area covered per unit time. So delta A upon delta T is equal to half R cross V. ठीक है? इसको इधर ले गए. Now we know that. Momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity which is given by mass into velocity. ठीक है? So I can very well write velocity vector as P upon M. ठीक है? So I replace this V by quantity P upon M. So this will be written as delta A upon delta T is equal to 1 by 2 m r cross by
the concepts of rotational motion, we know what is r cross p and l, angular momentum. So this becomes l by we know mass is constant. ठीक है, mass of the moving body that is planet is not going to change. So l being constant, delta f on delta t is constant. ठीक है, so hence we prove that either velocity of all planets is constant. ठीक है.